हम न्यूज़ में खुश आमदीद, मैं हूँ पाकीज़ा जाहिद। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं, मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन इंतकाल कर गईं। हसीना मोइन ने पीटीवी के लिए कई यादगार ड्रामे तहरीर किए। उनकी तख्लीक करदा कई किरदार बहुत मशहूर हुए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर हम नेटवर्क सुल्ताना सिद्दीकी, जिनका हसीना मोइन के साथ कई दहाइयों पर मुहित है। जी सुल्ताना आपा, पाकिस्तान के इस अजीम नुकसान पर आपके क्या तासुरात हैं, और आप उनकी ऐसी बातें बताएं जो शायद कोई नहीं जानता होगा। मेरा ख्याल है इससे बड़ा लेजेंड इस वक्त हमारे पास से जो चला गया है कोई नहीं। बड़ी तकलीफ हुई है सुन के। हसीना से मेरा एक दोस्ताना ताल्लुक भी रहा है, और जाहिर है कि राइटर की हैसियत से तो बड़ा नाम है वो, तो उनका रहा। उनकी जो एक चीज तो सबको ही पता है, मेरा ख्याल है वो ढकी छुपी उनकी चीजें अच्छी जो थी वो नहीं रही, क्योंकि मजाक जो था उसका एक इतना खूबसूरत और शाइस्ता होता था कि बस जुमले का कहना, मेरा ख्याल है इससे बेहतर खूबसूरत जुमला जो है आज के दौर में कोई नहीं कर रहा। तो बस ये समझिए कि ये सिर्फ दोस्तों का लॉस नहीं है, लेकिन पूरी कौम का लॉस है। ऐसे बड़े लोग सदियों में पैदा होते हैं, अल्लाह उनको मगफरत करे, जन्नत नसीब करे। अभी इस्लामाबाद आई थी तो मुलाकात हुई, तो मैं तो सोच रही थी कि उसी तरह हंसती बोलती। अभी उसका नया जो है शॉर्ट फिल्म या प्ले जो है अभी मिसबा ने रिकॉर्ड किया, और मेरा ख्याल है इसी महीने में ये कंप्लीट करके और कराची आई। बस अक्सर उनका ये कहना होता था, अल्लाह मुझे बीमार ना करे, पलंग पे ना डाल दे। बस सुल्तान आप तो यही दुआएं हैं, तो बस वही अल्लाह ने उनकी सुन ली। अचानक जाने से तकलीफ तो होती है, लेकिन मैं समझती हूँ वो उनके लिए और घर वालों के लिए दोस्तों के लिए बेहतर होता है कि दोस्तों को तकलीफ में ना देखा जाए। अल्लाह करे वो जहाँ भी हों इसी तरह आला मकाम पे हों, उनकी रूह को पीस मिले जहाँ भी हों। बस मुझे यही कहना था। हसीना मोइन ने पीटीवी के लिए बहुत यादगार ड्रामे तहरीर किए। बहुत शुक्रिया सुल्ताना आपा। और न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हम न्यूज़।